एक कहानी है एक रॉजर नामक लड़के की जो अपने हवस के चलते घर के सारे औरतों को प्रेग्नेंट कर देती है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको मजा आ जाएगा। मूवी की शुरुआत में हम रॉजर को देखते हैं जो अपने स्कूल की छुट्टियों में घर आ रहा था और उसे ले आने के लिए उसके घर के मेट मिस लपिता आई हुई थी। जब वो घर आ रहे होते रॉजर मिस लपिता के पपीता देखने लगती है। मेट को ये सब पता होता है कि रॉजर क्या देख रहा है, पर वो कुछ नहीं कहता। घर आके रॉजर अपने माँ से मिलता है, लेकिन तभी रॉजर की माँ की नज़र उसके पैंट पे पड़ती है और कहती है, तुम्हारे पैंट गीली क्यों है। दरअसल रॉजर लपिता के पपीता देख के कुछ ज़्यादा ही जोश में आ गया था, जिसकी वजह से उसका पैंट गीला हो गया था। पर तभी रॉजर की मौसी आती है और कहती है कि इस एज में ये सब होता रहता है। फिर रॉजर अपने बहन से मिलता है जिसका नाम बार्था होता है। रॉजर और बार्था में आपस में बहुत मिल थी, इसलिए बार्था एक दिन रॉजर को जंगल में घूमने ले जाती है। वो जंगल में घूम रहे होते तभी उन्हें घर की मेड लपिता मिलती है और उनसे बात करती है। थोड़ी देर बाद रॉजर जंगल में घूम रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। रॉजर जब झाड़ियों में देखता है तो वहाँ घर की मेड अर्सिल किसी के साथ अपना हवस पूरी कर रही थी। वो मेड रॉजर को देखती है और उसके सामने मुस्कुराने लगती है। रॉजर ये सब देख के वहाँ से भाग जाता है। रात को रॉजर जब अपने कमरे में आता है तब उसे बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, पर जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखता है उनके घर की मेड अर्सिल दरवाजे से आधा बाहर निकले हुए है और कोई उसे पीछे से पेल रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रॉजर को नहीं पता चलता। इसके बाद रॉजर सो रहा होता है, तभी उसके पास बार्था आता है और वो दोनों बात करने लगती है। यहाँ बार्था रॉजर को बताती है, हमारी मौसी मार्गरेट अभी भी वर्जिन है और ये बात मुझे हेलेन ने बताई थी, और ये भी बताए उसे मर्दों से डर लगती है इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अगले दिन बार्था रॉजर को नदी किनारे ले जाती है और कहती है, यहाँ घर की सारी मेट नहाने आती है, और ये कह के वो दोनों छुप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद घर की मेट नहाने आती है। रॉजर और बार्था छुप के उनके बातें सुन रहे होते, लेकिन तभी वहाँ तीन आदमी आता है जो उनके ही घर के नौकर होते है। वो तीन मेट्स को देखकर उनके सामने सुसु करने लगती है और उन्हें अपना पपलू दिखाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं शहर से रॉजर के फादर घर पे आते हैं और उसके साथ उनके बड़े बहन एलिसा भी थी। घर के सारे मेंबर उनके वेलकम करते हैं। एलिसा भी सबके गले मिलती है, पर जब रॉजर की बारी आती है तो वो रॉजर को सिर्फ हेलो बोल के घर के अंदर चली जाती है। यहाँ रॉजर को काफ़ी बुरा लगता है कि उसके साथ क्यों ऐसा कर रहा है। तभी थोड़ी देर बाद उसके पास बार्था आती है और वो रॉजर को चर्च में ले जाती है, जहां वो दोनों चुपके उसके मौसी की बात सुनते हैं। उनके मौसी फादर के पास अपने गुना कबूल करने आती है। मार्गरेट अपना गुना कबूल करते हुए कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है कि जब से रॉजर घर पे आए हैं तब से मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और ये भी कहती है कि रॉजर मेरे सपनों में आता है और मैं उसके साथ इंटीमेट होता हूँ। मार्गरेट की ये सारी बात रॉजर सुन रहा होता है और ये सुनकर रॉजर बहुत खुश होता है, लेकिन वो तभी चर्च के छत से नीचे गिर जाता है, जिससे मार्गरेट और फादर को पता चल जाता है कि रॉजर उनकी बात सुन रहा था। इसलिए वो रॉजर को लेके उसके मॉम के पास जाता है और अच्छे से शिकायत करता है। रॉजर की मॉम फादर से पूछती है कि इसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। तब फादर कहता है, इसे मार मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए। रॉजर की मॉम को ये बात पसंद आती है और ये काम वो मार्गरेट को सौंपती है। मार्गरेट रॉजर को मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है, और रॉजर बिस्तर पे उल्टा होके सो रहा था तभी उसे कब बजने की आवाज़ आती है। जब वो अपने रूम से बाहर जाके देखता है तो इस बार भी हेलेन दरवाजे पे आधा बाहर निकली हुई थी और कोई पीछे से उसे पेल रहा था। फिर उनका काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, पर रॉजर को अभी भी पता नहीं था कि वो बंदा है कौन जो हेलेन को पेल रहा था। कुछ देर बाद रॉजर के पास अर्सिल आती है और वो रॉजर से कहती है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दर्द हो तो मैं क्रीम लगा दूँ। यहाँ पर रॉजर मना कर देती है। रॉजर अर्सिल से पूछती है कि आखिर वो बंदा है कौन जो सरेआम हेलेन को पेल रहा था, और अर्सिल कहती है, ये हम मेड्स की सीक्रेट है, और एक के वो वहाँ से चली जाती है। फिर रॉजर सोचता है कि शायद मिस्टर फ्रैंक को ये बात पता होगा, तो उनके कमरे में जाता है। वहाँ वो देखता है मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट के अंदर हाथ डालकर दूरबीन से कुछ देख रहा होता है। फिर वो जब रॉजर को देखता है तो वहाँ से चली जाती है। उनके चले जाने के बाद रॉजर दूरबीन से देखने लगती है, जहाँ वो देखता है कि बाहर घास के मैदान में एक बंदा और एक बंदी बिना कपड़ों के नागिन डांस कर रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद रॉजर को एक किताब मिलती है जिसपे बहुत हबस भरी कहानी लिखी थी। रॉजर उस किताब को छुपा के ले जाती है और एक जगह जाके पढ़ने लगती है।
लेकिन तभी वहाँ घर की एक नौकर आ जाती है जिसे देखकर रॉजर छुप जाते हैं। और तभी हेलेन भी वहाँ मुर्गी को दाना डालने आता है। नौकर उसे देख के उसके पास जाता है और उसे विंडो में फंसा देती है और बाहर जाके हेलेन को टपाटप देने लगती है और हेलेन चिल्लाने लगती है। इसीलिए रॉजर उसकी मदद करने जाती है पर हेलेन उसकी मदद लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं रॉजर अलिसा के कमरे में जाता है और उसकी किताब लेके गंदी किताब रख देती है और बाहर छुपके से देखने लगती है कि अलिसा उस किताब को पढ़ती है या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अलिसा अपने कमरे में आती है और उस बुक को खोलती है। गंदी फोटो देख वो शर्माने लगती है और उस बुक को छुपा के बाहर जाके पढ़ने लगती है। रॉजर देखता है घर के सारे लोग चरम सुख की मजा ले रहे हैं और वो एक अकेला ही था जिसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। इसलिए वो किचन में अर्सल के पास जाता है और बिना सोच समझ के उसके ऊपर हमला कर देती है। पहले तो अर्सल गुस्सा हो जाती है और रॉजर के सर में एक प्लेट मार देती है और फिर बाद में वो राजी हो जाती है। और फिर जब करने ही वाले होते तभी वहाँ एक घर की मेट आ जाती है जिसे देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ भी रॉजर को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए अब उसे मिस लपिता के ख्याल आता है और वो उसके पास जाता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। पहले तो मिस लपिता उसे मना कर देती है पर बाद में वो भी मान जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है और वो उन्हें खबर देते हुए कहता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध शुरू हो गई है और यहाँ भी रॉजर के काम अधूरा रह जाता है। और अब घर के सारे मर्द को जंग में जाना था इसीलिए वो लोग घर में एक पार्टी रखता है। यहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उन्हें कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है इसीलिए वो युद्ध में नहीं जा रहा है और आज रात को सारे मर्द अपने अपने औरतों के साथ मजे कर रहे थे कि अगली सुबह उन्हें जंग में जाना है। वहीं रॉजर उन्हें मायूस होकर देख रहा था और अगली सुबह सारे मर्द युद्ध में चले जाते हैं। उनके जाते ही रॉजर अर्सल के पास जाता है और उसे पेल देता है। अगली सुबह बार्था रॉजर को बताती है कि मॉम फादरी के पास अपना गुना कबूल करने वाली है तो आओ देखते हैं उन्होंने क्या गुना किया है। मॉम फादर को बताती है मेरे हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोज में टपाटप देती है और अच्छा भी लगती है लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। ये सुन के फादर ही कहता है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी कर सकते हो और इससे कोई पाप नहीं है। अगले सीन में हम घर की एक मेट कैट को देखते हैं जो नदी किनारे बैठे रहती है। तभी वहाँ रॉजर आता है और उसे भी पेल देता है। रात को रॉजर अपने मौसी का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद मार्गेट आती है और रॉजर उससे बात करने लगती है। फिर रॉजर कहता है आप अभी भी वर्जिन हो इसीलिए मैं आपकी मदद करने आई हूँ। ये सुन के पहले तो वो नर्वस हो जाती है पर बाद में वो भी मान जाती है और रॉजर इससे भी पेल देती है। फिर थोड़ी देर बाद हेलेन चाय देने आती है और जब वो जाने लगती है तो वो रॉजर उसे पीछे पकड़ लेती है और हेलेन को पेल देता है। अगले दिन रॉजर अस्तबल में जाता है जहां उसकी बहन एलिसा घोड़े को साफ कर रही थी और यहां रॉजर उसे सेटिस्फाई करने लगती है और वो मान भी जाता है। रॉजर उसे भी पेल देता है। रॉजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग चुकी थी। एक जाती थी तो दूसरी आती थी। कभी कभी तो रॉजर एक साथ तीन लड़कियों को बुलाता था। एक दिन एलिसा रॉजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के रॉजर को टेंशन होने लगती है। इधर युद्ध भी खत्म हो चुकी थी इसीलिए घर के सारे मर्द वापस आ चुकी थी। तभी अर्सल रॉजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट भी कहता है कि वो भी प्रेग्नेंट है और रॉजर सोचने लगती है इसका क्या किया जाए क्योंकि इस बात का पता अगर उसकी मॉम को चला तो उसकी भौंपू बजा देगी। रॉजर अलिसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाके उसे सेडिस करे ताकि सबको ये लगे कि ये बच्चा तुम्हारा मंगेतर का है। उसके बाद वो अलिसा के बेड में जाके रेडमेड पॉलिश लगा देती है ताकि उसके मंगेतर को लगे अलिसा वर्जिन है। रॉजर मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है वो मिस्टर फ्रैंक से अपना पुंगी बजा ले ताकि उन्हें लगे ये बच्चा उनका है। और अर्सल तो गांव में एक आदमी से शादी कर लेती है। इसके बाद तीन लड़कियों के शादी हो जाती है। और उसी रात रॉजर एक बार फिर से हेलेन को पेल देता है। हॉस्टल जाते टाइम हेलेन उसे कहता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। रॉजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना पड़ेगा। हेलेन कहता है मुझे तो घर के सारे मर्दों ने पेला है मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसी पर ये इंजाम लगा दूंगी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।